नमस्कार दोस्तों, आईओबी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, चाइना कितना धोखेबाज, चालबाज और जन्मजात हरामी है, ये आप इस पूरी खबर से समझ जाएंगे। दोस्तों, अपने सरकार ने 59 चाइनीज ऐप अपने यहाँ बैन किए हैं, क्योंकि इन चाइनीज ऐप की वजह से अपने यहाँ का डाटा और सुरक्षा को बहुत ज़्यादा पैमाने पर खतरा था। ये चाइनीज ऐप अपने यहाँ का डाटा चुरा रहे थे और साथ ही अपनी सुरक्षा में भी पेंड लगा रहे थे, अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पर सरकार ने उनकी इन चालबाजी को, धोखेबाजी को वक्त नहीं समझ लिया और उनके मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। पर दोस्तों, चालबाज, गद्दार और हरामी चीन अपने काली करतूतों से अब भी बाज नहीं आ रहा। इसलिए हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है कि हम पूरी तरह से सावधान रहें। दोस्तों, गूगल प्ले पर, टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप उनके कीवर्ड टाइप करके नहीं मिलते हैं, पर धोखेबाज चाइना ने यहाँ पर भी अपनी चाल कर दी है। दोस्तों, अगर आप गूगल प्ले पर लाइक ऐप सर्च करोगे या LIKE टाइप करोगे तो आपको टिकटॉक समेत जो अन्य चाइनीज ऐप बैन किए हैं वह सिमिलर ऐप में मिल जाएंगे। वह आपको वहाँ आसानी से मिल ही नहीं जाते, वहाँ से आप इन्हें बड़ी ही आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। पर दोस्तों, मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस जाल में ना फंसें और सरकार को सपोर्ट करें, सरकार को इस बात का संज्ञान लेने पर मजबूर करें और इन चाइनीज ऐप को पूरी तरह से बैन करवाए और साथ ही गूगल प्ले और गूगल भी चाइना की चालबाजी को पूरी तरह समझ लें और पूरी तरह रोके। दोस्तों, इस खबर को आप शेयर करके चाइना की चालबाजी को पूरी तरह नाकाम कीजिए और अपने देश की सुरक्षा को दृढ़ कीजिए। इस खबर को दोस्तों हमारे टीवी न्यूज चैनल और ई पेपर इस खबर को नहीं दिखा रहे हैं या नहीं दिखा पा रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस बात को आम लोगों तक, सरकार तक और गूगल तक पहुँचाए और अपने देश की सुरक्षा को दृढ़ कीजिए। धन्यवाद। और अंत में इन धोखेबाज चाइना वालों से मैं बस यही कहना चाहूंगा, निकल पहली फुर्सत में निकल।